मैदान में देखिए शहाबुद्दीन साहब की वाइफ में और तीर छाप में लड़ाई है। मेरा नाम डॉक्टर मनिंद्र। डॉक्टर साहब ये बताएं, जब शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे तब फीस बहुत कम हुआ करता था, ऐसा जनता कह रही है। कहाँ कैमरा है आपका? अच्छा, हाँ ये बात तो सही है, डॉक्टर के भी फीस कम हुआ था। नहीं, एमपी साहब जो थे उन्होंने जो उनका 15 वो कार हम है जो गिना देंगे उंगली पे, राजेंद्र स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, विद्या भवन, इंजीनियरिंग कॉलेज, रेड क्रॉस, ढेर काम बता दिए। समीकरण क्या है, थोड़ा समझाइए। समीकरण ये है ना कि मान लेते हैं कि और बिहारी आई जीवर है तो खड़ा हो गए तो इसका बोल साफ हो गया। हमारा नाम सुरेश शाह है। सुरेश शाह जी, थोड़ा जाति समीकरण समझाइए सीमान गांव को कि किसका कौन सा वोट है, क्या लगता है? ये सब का मामला में तो कहने का मतलब है सबसे बढ़िया इबरा हीना का सही है। तो जाकर आज 10 दिन से उनका अति हो रहा है सब। कहाँ पे? हथौड़ा बड़का टोला में। हाँ, जाकर हमारा चौधरी लो है, 400 घर हैरान है। अच्छा, हथौड़ा के यादवों का क्या सोच है इस बार? बहुत है, का सपोर्ट ज्यादा है मैडम को। हाँ, साहब को ऑटो रिक्शा मिला चुनाव चिन्ह का, लगता है कि दिल्ली जाएगा ऑटो? जा भी सकता है, बता तो रहे हैं 19-20 का लड़ाई है। एमपी साहब उनका 5% काम हुआ है, वो 95% काम नहीं किए थे। अगर वो होते हैं तो जो हम लोग पटना में देख रहे हैं ना, वो सिवान में होता। सपोर्ट किसको मिलता? 18% यादव वोट है, बट इस समय यादव वोट 3 जगह बट रहा है। SN Live, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एस एन लाइव न्यूज पे। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद उमर। देखिए इस वक्त हम सिवान में हैं और सिवान की जनता का मिजाज जानने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ सिवान की जनता का मिजाज है, सिवान में कौन बनेगा सिवान का सरताज और 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है, यही मुद्दा है। क्या लगता है ये 5 साल में विकास हुआ है सिवान में? सिवान में 5 साल में थोड़ा भी विकास नहीं हुआ है जी, और इस साल हेना साहब को जिता के और सिवान को विकास को बढ़ा देना है। लगता है दिल्ली जाएगा उनका ऑटो? दिल्ली जाएगी एकदम, ऑटो एकदम 100% है, जाना ही है। सिवान की जो सांसद कविता सिंह है उनका आज तक नाम भी नहीं जान रहे हम लोग, नाम नहीं जानते आज तक, सिवान में अभी नहीं किए वो ना। कभी देखे हैं कविता सिंह को? ना, हम कभी नहीं देखा है, यहाँ तो आते हुए कभी देखा नहीं। इलेक्शन आ रहा है तो दिखाई दे। 5 सालों में विकास हुआ है सिवान में? कुछ नहीं विकास हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है, सब वो अपना फायदा उठा रही है। अच्छा, इस बार क्या लगता है सिवान में कौन बनेगा सिवान के सांसद? हमारा चानस है हीना को। ये सब टेम्पू छाप दिल्ली जाएगा? दिल्ली जाएगा। आपके पास भी 2 मिनट आएंगे, 1 मिनट रुकिए, इनसे बात कर ले। क्या लगता है दिल्ली जाएगा टेम्पू? दिल्ली जाएगा टेम्पू। 5 सालों में कितना विकास हुआ सिवान? कुछ भी विकास नहीं हुआ, आप भी घूम के देख लीजिए, कुछ नाला जामे देखे सामने पड़ा है नाला। नाम आपका? तारकेश्वर प्रसाद। तारकेश्वर प्रसाद, तारकेश्वर जी, सिवान का जो वोटिंग जो सिस्टम है क्या कुछ है, कौन से जाति का क्या वोट है और इसका समीकरण क्या है, थोड़ा समझाइए। जाति समीकरण ये है ना कि मान लेते हैं कि और बिहारी जीवर यादव खड़ा हो गए तो इसका वोट साफ हो गया, यादव का वोट कट जाएगा, कट गया, खत्म हो गया। और बताइए, मुस्लिम का वोट है उनका ये सेफ है, थोड़ा लोग हिंदू लोग दे देंगे तो उनका जीत पक्की है। अच्छा, ब्राह्मण राजपूत जितने भी लोग हैं उनके साथ में है? किसके? हेना साहब के साथ में है सभी लोग, मैडम के साथ। हाँ, आपका भी जात साथ में है? साथ में है। अच्छा, आपका नाम बताइए। हमारा नाम सुरेश शाह है। सुरेश शाह जी, थोड़ा जाति समीकरण समझाइए सिवान गांव को कि किसका कौन सा वोट है, क्या लगता है? ये सब का मामला में तो कहने का मतलब है सबसे बढ़िया इबरा हीना का सही है। सब लोग का सपोर्ट है? सबका सपोर्ट वही है, कोई कुछ भी कहे तो क्या? कितना सपोर्ट है मैडम को? अरे बहुत है, 75% शाह लोग का सपोर्ट है। हाँ, 1-2% जो है वो निकलेगा नहीं तो सब शाह लोग का सपोर्ट है। हमारे गांव में जाकर आज 10 दिन से उनका अति हो रहा है सब। कहाँ पे? हथौड़ा बड़का टोला में। हाँ, जाकर हमारा चौधरी लो है, 400 घर हैरान है। अच्छा, हथौड़ा के यादवों का क्या सोच है इस बार? बहुत है, उन्हीं लोग का सपोर्ट ज्यादा है मैडम को। हाँ, हथौड़ा के मैडम को सपोर्ट? हाँ, उन्हीं लोग का सपोर्ट नहीं देगा लगता है मैडम को सपोर्ट? हाँ, 100% है मैडम को जितना है। आपके बारे में क्या है? कितना कुछ विकास हुआ है सिवान में 5 सालों में? कविता जी तो जीत के गई तो आज तक नहीं, हम क्या बताएगा, बच्चा भी बताएगा जो घर में रहता है वो बताएगा। चाचा, क्या माहौल बा सिवान में? ठीक बा। के दिन वोट है?
मीना साहब की ओर चौधरी के कहते अब देखिए केकर जाता कहां पड़ता परमे कर अच्छा के मतलब का लाता है के जिताए के बाद देखिए हम अपना गांव में गए नहीं तो आधा आधा गांव नहीं नहीं घूमे रहूं ना आधा गांव यही ना सके पड़ता बिना उन्हों तो राव नाम अंगाउता कौन कास्ट होनी कौन जाता हम कुर्मी है अच्छा कुर्मी कुर्मी लोग के जितना सपोर्ट रहला वो कहला कि नीतीश कुमार के साथ ना नहीं क्या नहीं है के साइड पर इन्हें सा के इन्हें सब अच्छा सर यादव लोग के क्या कुछ सपोर्ट बा मैडम के हाँ कुछ बाब है हाँ बा कुछ बाब है सब कुछ लागत है जो लागे के चाहिए वो लग रहा है अच्छा सीमान का काम है टेम्पू का दिल्ली जाएगा मिल जाएगा 100% मिलेगा जो विकास करेगा उसी को मिलेगा टेम्पू इस बार कहाँ जाएगा दिल्ली दिल्ली जाएगा 100% जाएगा दिल्ली भेजना दिल्ली में प्रणाम आपका नाम मोहम्मद राजा नाम है मेरा मोहम्मद राजा जी वोट बैंक का सीमान का क्या सिस्टम है वोट बैंक का यहाँ सिस्टम नहीं है सब कोई अपना है सब लोग मैडम के साथ हाँ यहाँ ना कोई जाते ना पाते सब कोई अपना है पाँच सालों में कितना विकास हुआ सीमान में वही देखिए पाँच साल में क्या विकास हुआ है कविता सिंह थी एमपी और क्या नाम है ओम प्रकाश थे क्या किए विकास में कुछ नहीं किया नहीं किए जो किए एमपी साहब किए और कोई नहीं किया है अच्छा कुछ लोग कह रहा है कि मैडम आप ही बताइए आप भी एक मीडिया वाले हैं आप ही बताइए इतना 15 साल के अंदर में क्या विकास हुआ है आप हमको बता दीजिए इतना इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया क्या बन गया किसके लिए बना है वो सरकारी है सरकारी प्राइवेट है नहीं नहीं जो आप बोल रहे सुधा फैक्ट्री का ना वो प्राइवेट है ये सरकारी तो रहे है सरकारी तो एमपी सब बनवाए देखिए इस्लामिया कॉलेज है डीएवी कॉलेज है तो अब ये सब ना विकास का काम ये ना सरकारी विकास उस सबसे ना होगा विकास इससे नहीं होगा जो जो प्राइवेट बना दिया गया है उसमें सब आ रहा है सब रह रहा है किराए पे सिवान में 5 साल में कितना विकास हुआ पाँच साल में कहाँ विकास हुआ है कुछ नजर आता है आपको इस बार क्या लगता है मैडम ऑटो कहाँ जाएगा मैडम का ऑटो जाएगा दिल्ली तक कोई तीर रोक दिया तो अरे ऐसा बात नहीं है पूरा लोग उसके साथ तीर कोई मार दिया हवा में प्यार फट गया तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा नहीं रुकेगा ऐसा तो नहीं होगा लंटेन जलेगा कि नहीं लंटेन नहीं अब लंटेन नहीं जलेगा क्या होगा अब आ गया एकदम लाइन वाला सिस्टम अब जलेगा ऑटो से पब्लिक जी नाम सीवर जाएगा अच्छा क्या लगता है सिवान में जो वोट बैंक का सिस्टम थोड़ा समझाइए किसका कितना किसके साथ में देखिए वोट जो बैंक है यादव जी का वोट जो मैडम के साथ है जो व्यक्तिगत हाँ जो उनका बता रहे हैं हम 50% जो मैडम का व्यक्तिगत जो यादव है मन से जो मानते हैं वो मैडम साहब के साथ हैं और कल भी थे आज भी रहेंगे भी और यहाँ जो सिस्टम है जो RJD जब साहब का नहीं हुआ देखिए आज जो RJD का एक नेता है लालू प्रसाद यादव को लड़का लालू यादव का जो बड़े लड़के हैं जो कार्यकर्ता को मंच पर से फेंके तेज प्रताप धकेल दिए नहीं वो जलील किए हैं कुछ वो तो बोल रहे थे कि नहीं हम बचाव में ऐसा साइड किए बचाव नहीं वो जो देखा जो उन लोग करनी में और कथनी में बहुत फर्क है एक लालू यादव वो थे नेता जो गरीबों को उठा के मंच पर से बैठा के माला पहनाते थे पानी पिलाते थे वो लालू यादव वाला RJD नहीं ना है अब कुछ अच्छा अब कुछ लोग नए नए RJD का भक्त बने हुए हैं देख लीजिए चश्मा उतार कर देख लीजिएगा लोग कि यही सम्मान मिलता है मान सम्मान मिलता है वहाँ पे सिर्फ परिवार सिवान का बताइए सिवान में क्या लगता है सिवान का बताइए साहब 5 साल में कितना विकास हुआ सिवान जमीनी स्तर पर देखा जाए धरातल पर तो कोई ठोस काम नहीं हुआ है जो जमीन आंखों से देखा जाए कुछ नहीं हुआ नहीं MP साहब जो थे उन्होंने जो उनका 15 गो कार हम है जो गिना देंगे उंगली पे और बाकी जो नेता बने बताइए सबका कितना काम हुआ राजेंद्र स्टेडियम इंडोर स्टेडियम विद्या भवन इंजीनियरिंग कॉलेज रेड क्रॉस ढेर काम बता दिए जी ढेर नहीं देखिए 5 सालों में अब तक क्या लगता है कि ये कितना किए MP साहब उनका 5% काम हुआ है कोई 95% काम नहीं किए थे अगर वो किए होते हैं तो जो हम लोग पटना में देख रहे हैं ना वो सिवान में होता सब अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि सिवान को बना देंगे गोरखपुर
गोरखपुर, सिवान को सिवान ही रहने दिया जाए, सिवान अपने आप में गोरखपुर है। सब नाली का ढक्कन लग लग के मच्छर और पैदा हो रहा है, सब देख रहे हैं। क्या गोरखपुर बनेगा? अच्छा गोरखपुर क्या बनेगा? हेना साहब बनाएंगे ना गोरखपुर, गोरखपुर बना देंगे। अरे सौ बना दे, अरे सौ में आने दीजिए ना, देखिए ना कौन क्या बना रहा है। अभी अभी यहाँ पे रोड खराब था कलकत्ता बिरयानी के पास, अभी आप चले जाइए जैसे ओवर ब्रिज उतरिएगा वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे भी नाली रोड खराब हो गया है, वहाँ पे भी नाली पानी लग रहा था। नाली बना रहा लो, नाली को और छोटा कर दे रहा है लो, बताइए सिवान डूब जाएगा। नहीं नहीं क्या विकास होगा बताइए ना, नहीं हो पाएगा ना, कहाँ होगा विकास। आइए और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। चाचा क्या लगता है सिवान में इस बार? क्या लगता है क्या सिवान का क्या माहौल है, किसके साथ जनता है सिवान में? देखिए शहाबुद्दीन साहब की वाइफ में और तीर छाप में लड़ाई है। अच्छा अब पलड़ा किधर झुकेगा ये तो बता नहीं सका जा सकता है। उन्हें साहब को ऑटो रिक्शा मिला है चुनाव चिन्ह, क्या लगता है कि दिल्ली जाएगा ऑटो? जा भी सकता है, बता तो रहे हैं 19-20 का लड़ाई है। आपका सपोर्ट किसके साथ? अब हमारा सपोर्ट तो आवाम के साथ रहेगा, जहाँ आवाम देगी वहाँ हम देंगे, हम जनता देगी। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनिंद्र। डॉक्टर साहब ये बताएं, जब शादी साहब हुआ करते थे तब फीस बहुत कम हुआ करता था, ऐसा जनता कह रही है। कहाँ कैमरा है आपका? अच्छा हाँ ये बात तो सही है, डॉक्टर के भी फीस कम हुआ था। अच्छा अब कितना ज्यादा हो गया है सिवान में? अब तो बहुत ज्यादा हुआ है, साहबुद्दीन साहब थे तो 50 रुपया में डॉक्टर देख लेता था, अब तो 500 रुपया लेता है। तो बहुत दिक्कत है डॉक्टर साहब, जनता है बताइए, जनता जो है जनता देखिए एक आस एक उम्मीद से अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और सिवान में वो लोग दिखाई नहीं देते, ऐसा आरोप लगा रही जनता। नहीं यार बहुत लोगों से बात किए हैं, वो कह रहे हैं कि हम सिवान के सांसदों को नहीं देखे, देखे नहीं, नहीं हम देखे हैं, हमारा डीएमसी मीटिंग होता है डीएम साहब के यहाँ, उसमें अच्छा, मैं जाता हूँ, उसमें एक बार दिखी थी, एक बार दिखी। बड़े बड़े आदमी देखते हैं, छोटे छोटे आदमी तो नहीं देखते। डॉक्टर साहब बड़े आदमी देख लिए? तो डीएमसी मीटिंग में हम गए थे तो वो भी आई थी। 5 साल के बाद एक बार देखे डॉक्टर साहब? एक बार देखे 5 साल के बाद एक बार देखे डॉक्टर साहब। सिवान का जो वोट बैंक का सिस्टम है कैसे क्या कुछ है थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि आप भी एक एजुकेटेड पर्सन है, सिवान का वोट बैंक किस तरीके का है और कौन से सपोर्ट किसको मिलता है? 18% यादव वोट है, बट इस समय यादव वोट 3 जगह बट रहा है। कैसे? हीना साहब में भी जा रहा है और जीवन यादव उठे हैं उनपे भी जा रहा है और औध बिहारी चौधरी यादव है उनपे भी जा रहा है, तो यही थोड़ा सा ये है कि अब यादव लोग जिधर झुक जाएगा उधर पलड़ा भारी हो जाएगा, जिधर यादव मिल जाएगा उधर पलड़ा भारी हो जाएगा। तो क्या लगता है नोएडा की तरफ झुकेगा या फिर उधर झुकेगा, किधर झुकेगा? अब यादव लोग को ये तो बताएंगे, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो यादव लोग बताएंगे। यादव वोट 18% है, डिटरमाइनिंग वोट वही है। डॉक्टर साहब सीमा में 5 सालों में कितना कुछ विकास हुआ है? नहीं विकास तो हुआ है, विकास तो शहाबुद्दीन साहब ने विकास की धारा जो रची थी, विकास का जो शुरुआत किया था वो रुका नहीं है, जो भी हुआ है सिवान में विकास हुआ है। आप देख रहे हैं कि हर जगह नाली, 5 सालों में कितना विकास हुआ है, यहाँ पे पानी लग जाता है, आगे जाइएगा कई जनता वहाँ पे गिर जाती है, किसी का पैर टूट जाता है, बनने से क्या फायदा है? देखिए ना नाली पे कचरा कितना है, दिखाइए। आप 100% को अगर आप 90% और 50% में बांटेंगे, 90% को 100% 50% में बांटेंगे तो जो आप दिखाएंगे वो 1% भी नहीं है, 99% आप देखिए ना, आप हर जगह देखिए। तो साहब ये नाली उसी तरीके से देखिए, नाली यहाँ पे पूरा जाम पड़ा है, यहाँ पर एक एग्जांपल हो सकता है, ऐसा 100 जगह देखिए आप रेंट नहीं, वहाँ पानी लग जाता है। आप भी गए होंगे उस रोड से, आप देखिए स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़िएगा आप, जब हायर एजुकेशन लेंगे ना तो स्टैटिस्टिक्स एक पढ़ाई होती है, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स का डिफिनीशन है वो होता है डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, मतलब आप निर्णय ले रहे हैं अनिश्चितताओं के बीच, तो आप एक नाली को देख के कैसे किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं? एक नहीं डॉक्टर साहब अनेकों है। नहीं नहीं ये हो गया बवरिया मोड़ हो गया स्टेशन हो गया, रैंडम वेरिफिकेशन करना पड़ेगा सिवान में कितनी नालियां हैं, उसमें से कितनी नालियां काम कर रही हैं, कितनी नालियां नहीं काम कर रही है, मेन लाइन है वो तो काम निकलेगा, मेन लाइन काम नहीं कर रही, ये भी एक मेन लाइन हो गया। आप किसी भी मुद्दे को तुरंत स्टेशन सिवान का स्टेशन एक समझिए कि बॉडी का जो रीढ़ की हड्डी होता है वो होता है, क्योंकि मेन लाइन है ये जो स्टेशन होता है, जब बवनिया मोड़ से जब जाम लग जाता है पूरा पानी लग जाता है और ये नाली जब दिखा रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अरे कितना
नहीं नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कल बनेगा या बन के क्या होगा इसके बारे में अभी डिसीजन नहीं है। अभी बना ही गया है वो तो बन रहा है, नहीं बन रहा अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा ढलाई हुआ है यहाँ पर, देखिए पूरा ढलाई हुआ है, क्या बात कर रहे हैं नहीं बना है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है बंद तो विकास नहीं हुआ रहा है, क्या विकास हो रहा है डॉक्टर साहब, कह रहे विकास हुआ है, मरमाल से ढलाई कर रहा है, बोल रहे विकास हुआ है डॉक्टर साहब, कह रहे विकास हुआ है, डॉक्टर साहब से पूछिए डॉक्टर साहब देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग से डिसीजन हम यहाँ पे अपने पक्ष नहीं आए हैं, आपने एक सवाल पूछा कि विकास हुआ है, हम बोले शहाबुद्दीन साहब ने जो विकास की रुका नहीं रखी थी वो विकास लगातार, क्या लगता है सर सीमान में क्या लगता है, नहीं आइडिया बाहर के, अच्छा वोट, अच्छा वोट, अच्छा कहा, चलिए हम देश लेवल बात करते हैं केंद्र लेवल बात करते हैं, क्या लगता है 400 पार आएगा इस बार, 400 पार आ जाएगा भाई, आ जाएगा, आ जाएगा, अच्छा कई सारे लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है देश में, इस पे क्या कहेंगे, महंगाई है कि नहीं, महंगाई तो है ही है, आप भी एक युवा है नौकरी भी करते हैं, नौकरी करते हैं सर्विस में, कई लोग बेरोजगार है देश में, बेरोजगारी है कि नहीं, बेरोजगारी कहाँ है यार, क्यों ये सब बात करते हैं आप लोग, नहीं है क्या बेरोजगारी है, आप पढ़िए ना, देखिए नहीं सब आए ही नहीं, बेरोजगार बैठा है सब लोग, देखिए ना क्यों बैठा है, किसको काम का कमी है, जिसके पास हाथ है उसके पास काम का कमी है जी, अच्छा इसमें क्या लगता है कि राम मंदिर पे वोट होगा, महंगाई पे वोट होगा, बेरोजगारी वाला जब आप बात करिए तो आप बात करिए कि आप अपने ऊपर कितना काम किए हैं, अभी कहीं ऐसा तो नहीं आप दूसरे के ऊपर ही काम किए, खाली अपने ऊपर काम ही नहीं किए कुछ, ये बात, अच्छा देश में महंगाई कितनी है, महंगाई तो बाबू कमाई के ऊपर है, ठीक है कमाई मैं हूँ अपना बताऊँ, मेरी जरूरतें कम है, मैं चलिए नौकरी कर रहा हूँ सर्विस में हूँ मैं, वहाँ से सैलरी मेरा आ रहा है, मुझे नहीं लगता, मुझे इतना पता नहीं चलता है चीजें, मेरी आवश्यकताएं भी कम है, मेरा गरीब का तो है सीधा महंगाई है, अब हम देख जाए भाई महंगाई बात, गरीब है वो 100 रुपया 100 का तेल किसे खाएगा, बात बताएं, जो आदमी जिस हिसाब से उसका इनकम है ना उस हिसाब से वो दिन भर मजदूरी करके 500 रुपया कमाएगा, लोग क्या खाएगा, कमाएगा ना 500 रुपया कमा रहा है दिन भर मजदूरी करेगा, जब आप दिन में मजबूर धूप में खट, आप कहना छोड़ दीजिए कि मजदूरी अच्छा काम नहीं है, हाँ काम करना चाहिए, ये बात मत करिए कि मजदूरी करना है, नहीं करता है, महंगाई कितना डॉक्टर साहब, महंगाई तो सबसे ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ गरीब वही है जो काम नहीं करता है, आप जो है क्या चाह रहे हैं कि जो है 20 रुपया लीटर आपको सरसों का तेल मिले, कांग्रेस सरकार में कितना सस्ता था ये बताइए, आप कितना सस्ता चाह रहे हैं कि आपको सरसों का तेल मिले, जो महंगा नहीं है, डीजल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है, हाँ पेट्रोल किसान है हम उस पर नहीं जा रहे हैं, पेट्रोल पेट्रोल का बात अलग है भाई, सरकार का है चीजें है उसी से सरकार, अभी तो सरकारी क्या है सर, नहीं सरकार का नहीं है, कैसे नहीं है, जो मस्टर्ड ऑयल है ना जो सरसों का तेल है ना घूम फिर के जो है एक हिसाब से किसान का ही एक कमोडिटी है, उस पर ही फर्क पड़ता है, देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हाँ अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर